वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत बड़ी पीरी स्थित सतीश त्रिवाथो के घर पर चोरों ने हाथ साफ किया। वहीं मकान में रह रहे लोगों का कहना है कि रात में हम लोग सो रहे थे तभी घटना हुई। उनके अनुसार घर से मोबाइल, पर्स और जरूरी चीजें चोर ले गए। वहीं घर की मालकिन नीलू श्रीवास्तव ने बताया कि चोर लगभग 15 से 20 हजार का सामान ले गए हैं और यह घटना उनके यहाँ दूसरी बार हुई है, जिसकी शिकायत पहले भी उन्होंने थाने पर की थी। बड़ी पीरी रहती हूँ, सीके 382 वाराणसी, और मेरे यहाँ 3 से 4 के बीच में चोरी हुई है, 4 लोग थे जिसमें वारदात में, और ये दूसरे वाकया हुआ है मेरे यहाँ जी। मोबाइल गया है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, कैश गया है, मतलब 15-20 हजार का सामान गया है जी। 4 लोग थे, सीसीटीवी फुटेज में आया है 4 लोग, जिसमें कि 2 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है और 2 लोग हैं और जिनको ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि कुछ ले दे करके जो है मामला सलटा दिया जाए, लेकिन हम इसके लिए राजी नहीं। घर के बगल में रहते हैं, करण करके नाम है, और करण बच्चे का नाम है, पिता का नाम सकुन है। नहीं नहीं, कोई विवाद नहीं है। पिछले साल भी मेरे यहाँ मोबाइल चोरी हुआ था 25 फरवरी को, तो फिर उसके बाद FIR हमने कराया तो थाने पे नहीं किए लोग, तो फिर हम CM पोर्टल पे डाले, तब उसके बाद जाकर के मेरा FIR ये लोग वो किए। उसके बाद से जब हम लोग कहे कि हम लोग को डाउट था कि इसका लड़का हमेशा आता रहता है, देखने में तो छोटा है लेकिन इसका बहुत, मतलब ऐसे ऐसे लोगों से इसका संपर्क है, इसका कोई हद नहीं है। हाँ, ये स्प्रे किया गया भैया, 2 बजे रात तक हम लोग जो है जगे हुए हैं। सारे लोग 2 बजे तक हमारे यहाँ जगते ही है, 11-12 बजे तक लोग दुकान से आते हैं, उसके बाद खाना पीना खाते, 2 बजे तक हम लोग सोते हैं। यहाँ दुकान है दलमंडी में। मौके पे पुलिस अधिकारी जब 10-12 पे फोन किया गया था तो एक लोग आए, उसके बाद फिर जब हमने CM पोर्टल पे डाला तब ये लोग आए हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।